नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया न्यूज़। और आज हम हैं अग्रवाल स्वीट्स में और मेरे साथ हैं मनोज कुमार जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। वेलकम। तो दिवाली जैसे कि नज़दीक आ चुकी है और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ग्राहकों की पसंद को लेकर आपने क्या तैयारियाँ की है। हमारे सब तरह की मिठाइयाँ हैं, सब तरह का नमकीन भी है, स्वीट बेकरी है, सभी आइटम तैयार है। पिछली साल को ध्यान में रखकर इस बार कौन सी मिठाइयाँ नई बनाई है अपने ग्राहकों की पसंद को लेकर? नहीं, हम तो सभी तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं और सब ग्राहकों के मन पसंद के हिसाब से रहती है सब। अच्छा सर, एक बात बताएं कि अग्रवाल क्रिएटर्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ एक ग्राहक आता है तो मन में ऐसी कौन सी मिठाई अपने दिमाग में रखकर लाता है कि अगर मैं अग्रवाल क्रिएटर्स जाऊँगा तो मैं वो मिठाई ज़रूर लेकर आऊँगा? ऐसा है, काजू पिस्ता के आइटम है, ड्राई फ्रूट मिठाई है, सोन पपड़ी है, देसी घी की आइटम है, कानपुरी लड्डू है, बंगाली स्वीट है, रसगुल्ला है, सबसे ज़्यादा फेमस है उसमें। तो मतलब ये सभी मिठाई आपकी यहाँ की स्पेशलिटी है? यस। अच्छा सर, एक बात बताएं, जैसे कि मार्केट में मावे को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई है, मतलब जो लोग हैं वो घबराने लगे हैं कि हम मिठाइयों से ज़्यादा चॉकलेट्स वो लोगों को देना पसंद करते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों को? मावा तो क्या है, खुद ही हम बनाते हैं अपनी स्वीट सारी, सब दूध लेके परचेज करके सब उसी हिसाब से मावा बनाते हैं अपने। और मावा के क्या है कि क्वालिटी का अपना दूध लेते हैं तो मावे से ही लेते हैं पूरा। तो ग्राहकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर जो मिठाइयों को लेकर उनके माइंड में है कि हमें मावे की मिठाई नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे ग्राहकों को क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राहकों को तो ये कहते हैं कि अपन खुद ही मावा लेके बनाते हैं प्योर, तो इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है और सिर्फ दो दिन की हम फैसिलिटी देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बस आप यही कहना चाहेंगे। अच्छा सर, एक बात और, जैसे कि दिवाली आ गई है, ये पूरे 5 दिन का फेस्टिवल होता है, तो खासकर जो ये फेस्टिवल है, लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत ध्यान रखा जाता है इस फेस्टिवल को लेकर, तो ऐसे में ग्राहकों को लक्ष्मी जी के लिए कौन सी मिठाई को पसंद करना चाहिए? लक्ष्मी जी का तो क्या है कि पंचमेवा होता है एक तरीके से, और अपने तो मावे की मिठाई है, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी के पूजन में। दिवाली की तैयारियां लगभग पूरी तरह से पूरी हो चुकी हैं, ये स्वीट्स की जो मिठाइयां हैं वो लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं और जो ये शॉप है वो पूरी तरह से सजकर तैयार है, लोग आ रहे हैं और जो ग्राहक हैं वो लगभग आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी से आप देख सकते हैं कि जो मिष्ठान है हमारी उसमें लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लोग खरीदारी के लिए आते ही जा रहे हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगी कि जो यहाँ पे मिठाइयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं उनकी क्या खासियत है? जी सर बताएं, ये मिठाई जो आपने बना रखी है किस तरह की मिठाई है सर? ये काजू पिस्ता अंजीर रोल है जी सर, और डायमंड केक है, खसाटा है, काजू रोल है, काजू कलस है और अंजीर बर्फी है, चोको वाइट, मेवा वाइट है, ये स्पेशल ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ बनी हुई हैं अपने। सर एक बात बताएं, जैसे ये बर्फ वाली मिठाई है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बर्फ की मिठाइयों को पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर आप किस तरह की मिठाइयाँ तैयार करते हैं? उस तरह के हमने बिना बर्फ के आइटम है, अंजीर रोल है। बताएं सर कौन सी है? जैसे ये अंजीर रोल है, देख सकते हैं आप कि जो लोग बिना बर्फ की मिठाइयाँ पसंद करते हैं उनको भी ध्यान में रखकर यहाँ पर मिठाइयाँ तैयार की गई हैं। आप देखिए, जैसे कि सर ने अंजीर रोल तैयार करा है और ये है अंजीर बर्फी है और यहाँ पे कुछ ये कसाटा है। आप देख सकते हैं कि इसको ज़्यादातर व्रत में भी जो महिलाएं हैं वो यूज़ कर सकती हैं, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है और इसमें बर्फ भी नहीं लगी हुई है। तो ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर सभी तरह की वैरायटियां यहां पर तैयार की गई है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, ऐसे में शायद ये होता है कि लोग किसी के घर जाते हैं और सब तरह की वैरायटी एक ही साथ में देने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह की तैयारियां भी यहाँ पर कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे रूप में इनको पैकिंग किया गया है। ऐसे में सर क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह की वैरायटियों को एक साथ पैक किया है आपने? ये जैसे ड्राई फ्रूट है, चॉकलेट है, कुकीज है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी मिक्स करके ग्राहकों को जल्दी से जल्दी निकल देने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, गिफ्ट आइटम है, जैसे सोन पपड़ी हुई, ये आइटम ऐसा है कि तुरंत पैक करके देने का पूर्ति रहती है। अच्छा सर, एक
बात बताएं कि त्यौहार नज़दीक ही आ चुका है, लगभग लगभग कल से शुरुआत हो जाएगी, कल करवा चौथ है और फिर कुछ ही दिनों बाद जो दिवाली के 5 त्यौहार हैं वो शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में ग्राहकी और ज़्यादा बढ़ेगी, उनको सही टाइम पर उनकी मिठाई दे देना, ऐसे में आपने क्या तैयारियाँ की उनको लेकर? हमने क्या गिफ्ट आइटम मिठाइयाँ गिफ्ट मिठाइयाँ बना रखी हैं जी, तो गिफ्ट पैक करे हुए रहते हैं, तुरंत देने का तो देखते हैं कि एकदम ग्राहक आए तो फटाफट जल्दी से फ्री हो। तो देखा आपने कि किस तरह की जो तैयारियां हैं पूरे यहां पर कर ली गई है, आप देख सकते हैं कि यहां पर सब की पसंद को ध्यान में रखकर अलग अलग से जो पैकेट्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की भी पसंद को ध्यान में रखा गया है और महिलाओं के साथ बुजुर्ग महिलाओं को भी ध्यान में रखकर इस तरह की पैकिंग की गई है। नेहा मैम ने देखिए कि हाथों में मेहंदी भी लगाकर पूरी तरह से तैयार कर ली है। मैम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को अपनी मेहंदी, आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी इन्होंने मेहंदी लगाई है। मैम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, यहाँ पे मिठाइयाँ लेने आए हैं, मेरे ससुराल वाले भी आने वाले हैं तो उसी की तैयारियाँ हो रही हैं, उसकी तैयारियों में जुटे हैं। तो कौन सी मिठाई लेने आए हैं? हम उधर एक खीर सागर करके है छेने की, हाँ वो बहुत अच्छी मिठाई है। कैमरा मैन से गुजारिश करूँगी कि एक बार उस मिठाई को जरूर दिखाएं जो ये मैम लेने आई हैं। ये देखिए ये है खीर सागर और शायद मैम का पहला करवा चौथ है, राइट मैम का पहला करवा चौथ है और मैम अपनी फैमिली के लिए ये खीर सागर स्पेशल यहाँ की जो मिठाई है उसको लेने आई हैं।